अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह नहीं भी कर रहे तो एंजॉय कर लें अली भाई की तरह। और लेकिन यह है कि आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है सस्ता शार्क टैंक आशीष चलचलानी। और उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली और इसका कहने के पास होगा लेट्स स्टार्ट। चालीस हजार दुनियाओं में लोगों के सपने तोड़ने वाला सस्ता शार्क टैंक अब आ चुका है हिंदुस्तान में, जिसने नए एंटरप्रेन्योर्स और दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स दोनों को सड़क में लाकर बेच दिया है। इस शो का फॉर्मेट सिंपल है, आपको आके अपने धंधे का आइडिया सुनाना है। मैंने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया है जिससे कहीं भी कभी भी फॉग बॉय डिटेक्ट हो सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का क्रिएशन किया है जिसे आप बिना ग्लास को छुए कुछ भी पी सकते हो। इसमें नया क्या है, ये तो तू स्ट्रॉ ही बेच रहा है। इसमें नया मेरा ब्रांड का नाम है चूसले। आपके पैसा फेंकेंगे और आपकी लेंगे पार्टनरशिप, जिसे अमीरों की भाषा में इक्विटी कहते हैं। ओए 10% 20% I'm out 110% तब क्या नंगा हो जाऊं। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से पूरे 10 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 15 सिलेक्ट हुए। लेकिन हम आपको पढ़ रहे थे। तो चलिए हमारे शार्क यानी कि जजेस से मिलते हैं। अच्छा, नंबर 1 पनीर ग्रोवर, ये भारत दे द वसूलिया के फाउंडर है और इनका दिल हमेशा ही बदतमीज रहता है। नंबर 2 बबीता पापड़, ये है पापड़ क्वीन ऑफ इंडिया। नंबर 3 उत्तपम मिसल, ये कोई खाने की डिश नहीं, ये divorce.com के मालिक हैं। और नंबर 4 अमन गुप्ता की सस्ती कॉपी चमन गुटका, ये गोट नहीं गोट के फाउंडर है। चलो यार अभी बस करो, बहुत इंट्रो हो गए, चलते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट की तरफ। अली डबल हमने एक करना शो में रखनी है भाई। ये क्या है, हमारा शो सस्ता है तो ऐसे चालू करेंगे? हेलो शार्क्स, जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पर लोगों की गांड से ज्यादा टायर फटते हैं। वाओ, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है। प्रेजेंटिंग टू यू TMKP। है भाई, मैंने TMKC सुना है, MKC सुना है, MCBC सब सुना है, ये TMKP क्या है? चवन मैं तेरे को समझाता हूँ, ये TMKC ही है, इसने बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके TMKP कर दिए, सी का पी कर दिया। ओ बॉस, तू ना इंग्लिश में नाम रखने से ग्लोबल नहीं हो जाएगा, तेरे को ना लोकल मार्केट समझना पड़ेगा, इसका नाम TMKC ही रहने दे, समझा? काफी घटिया नाम रखा है तुमने। अरे घटिया तो तेरा नाम भी है, फिर भी तू बिक रहा है ना। माने यार 200 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बात कैसे कर रही है? सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, इसका फुल फॉर्म है तेरी माँ की फूक। शार्क से इंडिया का पहला लाइव टायर इन्फ्लेटर है और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। ए हवा फूकना। मैं नहीं फूकेगा, मेरे को छाती में दर्द होता है, ये फूकता है फूकता है। और शार्क से बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल है, ये क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी घुस जाता है। और शार्क ये कॉस्ट एफिशिएंट है, पागल है क्या मादर तू? भाई क्या कर रहा है तू, ये क्या मजाक है? सर ये मजाक नहीं है, ही ब्लोज रियली वेल। ए तेरे को कितनी बार बोला हिंदी में बोला कर, ये ब्लो ब्लो किया क्या, जॉब दे रहे क्या वो लोग? ब्लो जॉब मत दो उसको पैसा। ओ बॉस, तुम ना टेक्नोलॉजी के नाम पे एक आदमी लेके घूम रहे हो जो टायर में हवा भरते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ओ हाँ भाई, हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर नहीं कर पाएंगे आप, मतलब तुम बोलना चाहते हो हम फूंक नहीं मार सकते? ट्राई करके देखिए। तमाचा किसने मारा है, थप्पड़ किसने मारी? कमाल है, एक बात समझ नहीं आ रही है, इसने सिर्फ कौन है बदतमीज? ओ भाई ये थप्पड़े कौन मार रहे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। सर हमने फूक मारना पेटेंट करवा दिया। पेटेंट करवा दिया? कॉपीराइट है। आप अगर कोई आइडिया को अपने नाम पे रजिस्टर करते हो तो आप उसके नाजायज बाप बन जाते हो, अगर आपका आइडिया को यूज करे तो आप उसको नाजायज बाप की तरह पीट सकते हो। इसके अलावा दुनिया में और कोई फूंक ही नहीं मार सकता? नहीं सर, और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट है मल्टीपर्पज, इसे आप अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं।
जैसे कि बर्थडे पार्टी, रोमांटिक डेट्स, फिल्म शूट्स एंड VFX. ओ भाई मैं आउट हूँ यार. नहीं यार मैं भी आउट हूँ. ये जो आपकी फील्ड है इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप ब्लोइंग. गुड जॉब. बहुत मैं इन हूँ. ठीक है मेरे को ना तेरे प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. प्रोडक्ट तेरा बहुत वाहियात है. इसमें खुद हवा नहीं है. टायर में क्या हवा भरेगा. मेरे को इंटरेस्ट है तेरे पेटेंट में. ठीक है तो मुझे पता तुझे कैश कितना चाहिए. कैश? अरे यार मैं बात कर रहा हूँ ना तुम क्यों बीच में बोल रहे हो. थोड़ा तमीज और लजीज से बात करो. अब ये लजीज क्या होता है. लजीज? अरे ओ लौड़े बात कर रहा हूँ ना मैं. रुकना भाई तू मेरे को बता कितना चाहिए. सर अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूएशन साहब जो देना दे दो साहब. प्लीज इसका खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है. ठीक है चल रन. मैं ना तेरे को पूरे 10,000 रुपए देता हूँ. इसकी ना 50% इक्विटी मेरे को दे दे. डन सर ले लो 50%. 50% मतलब क्या बीच से काटोगे क्या. अरे नहीं तेरे को शेयर करेंगे अपन. शेयर नहीं नहीं मेरे को शेयर नहीं होने का. ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए. कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा पेटेंट खरीद के बहुत मजा है. आराम से फूक मारूंगा. दिखाऊ साला. अपनी टेक्नोलॉजी शो करते हैं, इन्वेंशन शो करते हैं, फिर उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं. ये सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं. हेलो शार्क्स, मैं आपके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट लाया हूँ. वाह भाई अब आएगा असली प्रोडक्ट. मुझे खाने पीने के प्रोडक्ट बहुत पसंद है. अबे मंदिर के भिखारी तेरे को हमेशा कुछ ना कुछ खाना ही रहता है. पूरा टाइम चलते रहता है. उस दिन मेरी छोटी उंगली को पनीर समझ के चबा रहा था ये. अच्छा छोटी उंगली थी इसलिए इतनी लंबी थी. छोड़ूंगा नहीं तेरे को समझा. ये पनीर फटा हुआ दूध है यार. तू आया प्रोडक्ट खिला यार सीधा मेरे मुंह में डाल दे. आजा. हीरे की परत जौहरी को ही होती है. अरे जौहरी जी ये लीजिए. बहुत बढ़िया है. क्या दीजिए खट्टा खट्टा क्या है. हाँ क्योंकि इसमें चूहे की टट्टी जो है. तो ये है हमारा असली प्रोडक्ट. क्या लोगों को देश में थूकने की बहुत बीमारी है तो इसीलिए हमने ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है. क्या है लोगों की हरकतें ही ऐसी. कीजिए कीजिए एंजॉय कीजिए. एंजॉय कीजिए मतलब ये क्या एसएल वर्ल्ड है जो एंजॉय करे. सो शार्क आई प्राउडली प्रेजेंट माई प्रोडक्ट स्पिट मी डैडी. हो सकता है मूर्ख इंसान. अरे तुम अपना बताओ यार तुम्हारे नाम तुमने सोचा कैसे. वो क्या है सर हमारे पिताजी को है ना थूकने की बीमारी थी तो उनकी थूकने की इसी बीमारी को ना आगे बढ़ाने के लिए हमने ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया. बेटा सुन थूकना ना तेरे बाप को नहीं तेरी माँ को चाहिए था. तब तो तू पैदा भी नहीं होता और ना तेरा ये जबरदस्त प्रोडक्ट बनता. समझा. मैंने ना इससे घटिया प्रोडक्ट लास्ट चमन का देखा था. इससे घटिया प्रोडक्ट ना आज तक बना है ना कभी बनेगा. ये दुनिया का पहला और आखिरी प्रोडक्ट है. मुझे भगवान बचा ले इस प्रोडक्ट से. मुझे भगवान उठा ले मार दे जला दे. मुझे पेट्रोल दो मेरी नस काट दो मेरी नसबंदी करा दो. कटोरा बेच रहे भाग मादर देखिए आप जब थूकते हैं तो आपकी थूक आउट जाती है तो उसी तरह से मैं भी आउट हूँ. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. थूकते रहिए. मैं क्या देखना वो मारूंगा. अरे आप लोग मेरे पे क्यों भड़क रहे हो. बस बीच में थोड़ी 19-20 हो गई रहेगी. अरे मेरी तरफ ना देखिए मैं इस प्रोडक्ट पे थूकू भी ना. मेरी एक पार्टनर है वो अच्छे से समझाएगी. ए मृगना इधर आना. हाउ अशोक एनी प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. आई एम इन. अरे अभी तो इसने बोला मैं इस प्रोडक्ट पे थूकू भी ना. हाँ तो सही बात है. खुद के इन्वेस्टमेंट में कोई थूकता है क्या. अबे कैसा आदमी है ये. मस्त तो था कैसा है. हाँ तो आपको कितने पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए. सर हमारी आज 60,000 की है. अच्छा तो सिर्फ 6 लाख. तो क्यूटी 60,000 6 लाख. इक्विटी कितनी है. 50% और इसकी. सेम 50%. हाँ तो ठीक है इसकी 50 हुई मेरी और मैं आपका. आप और मैं फुल ट्रांसपेरेंसी कोई थर्ड पर्सन नहीं. यू गेट आउट. ठीक है. व्हाट. कांग्रेचुलेशन. हाथ मिलाइए. अरे हाथ हटाइए.
हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। जबरदस्ती है। अरे तू जा, चेक छुटा करा के आजा। ये लो, थैंक यू सो मच। 50-50 आप और मैं और नोबडी एल्स। ओके थैंक यू। जितने भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया ना, वो सब बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। और तो और, जो भी इम्प्लॉइज थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आज तक एक भी रुपया नहीं कमाया। ओ हेलो मैडम, आप ना मेरी बात सुनो, ठीक है? सस्ता शार्क टैंक है, इंडियन आइडल नहीं है। रोना मत लगाओ, चुपचाप बताओ आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? हाँ तो सर, मैं वही तो बता रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट ही है बैड लक। तो शार्क्स, मैं आज बेचने आई हूँ अपनी पनौती फॉर जस्ट 20 लाख रुपीज और 100% इक्विटी। मैं ना पागल हो जाऊंगा, शो पे कसम से कह रहा हूँ। मनौती देने लगी है, मैं बाप का धूप बेच रहा है। अब अगला क्या है, बहन का बाल, भाई का केला। और भाई अगर तुम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया ना, मैं तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखूंगा। ओ चमन, तेरे को क्या जरूरत है इस प्रोडक्ट की? तेरा तो वैसे भी बैड लक चल रहा है, तू है ही पनौती। और आप जब टाइम आता है तब आई एम आउट बोलिए ना, अब तो बोलिए आई एम आउट। अरे आप मुझे क्यों पका रही है, उसे बोलिए ना सीधा आई एम आउट। आई एम आउट? अरे उसे बोलिए ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं। अरे आप आई एम आउट बोलिए ना। आई एम आउट। थैंक यू। लेकिन मैं इन हूँ। अरे ओ येड़े, तेरे को ये बर्बाद करके छोड़ देगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब कि इनके पनौती की वजह से हमारे कपल्स के बीच में लफड़ा बढ़ेंगे, उससे डाइवोर्स रेट बढ़ेगा। डाइवोर्स बढ़ेगा। छोड़ो आप, चुका दू मोटा। ये अपना घर बार चल रहा है। 921 करोड़। थैंक यू सो मच सर। अगले फोन नंबर है मेरा, सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा आपने। सारे? अरे जितना मांगोगे वो सारे एक साथ ट्रांसफर कर दूंगा यार। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट टू यू। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, ठीक है? व्हाट्सएप भी है। ए गुड़ा आ गई। देखा शार्क्स, मैं हमेशा ऐसे ही पकड़ा जाता हूँ। अच्छा ये कंटेस्टेंट है भाई, क्या बात है। इसे बोलते हैं वेरी नाइस। सीख कुछ चमन, सीख। इसे कहते हैं पिच की ओपनिंग। बताओ बॉस, बताओ। आई एम वेरी क्यूरियस। सो शार्क्स, मेरे को ना एक्चुअली एक बीमारी है। एक्चुअली ये बीमारी का नाम है चोरी। और बचपन से मेरे को चोरी करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऐसा नॉर्मी पॉकेट मार नहीं बनना है, मेरे को बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल और वर्ल्ड फेमस चोर बनने का है। वाओ। सो मेरा ये ऑफर है कि मेरे को चाहिए 2 लाख रुपए और मैं आपको दूंगा 10% इक्विटी। भाई 2 लाख रुपए का क्या करेगा तू, चोरी का क्रैश कोर्स करेगा? देखो 2 लाख में से पहले तो 20% मैं वीएम फंड्स में डालूंगा और बाकी के 80% से ना मैं एक सेकेंड हैंड हायाबुसा खरीदूंगा। वो कह रहा हायाबुसा से चोरी करूंगा तो शायद मैं एक दिन जॉन अब्राहम जैसा चोर बन जाऊंगा, फिर उसके बाद 30 बार खान जैसा बन जाऊंगा और एक ना एक दिन मनी हाइस्ट का प्रोफेसर तो बन ही जाऊंगा यार। तो ये आपका विजन है? अरे विजन तो वोंडा के पास है, मेरा तो मिशन है। मेरे को ना खुद का एक दिन चोरी का ऐप लॉन्च करना है जिसका नाम होगा जरा जरा कैच मी। कैच मी? कैच मी नहीं, जरा जरा किस मी। किस मी? किस मी? अरे नहीं, जरा जरा होल्ड मी, होल्ड मी, होल्ड मी। अरे जरा जरा। ओ ओ, अबे इधर लिटिल चैंप्स नहीं चल रहे भाई, तू अपने ऐप के बारे में बता। ओके सर, तो मैं मेरे प्रॉफिट में से 20% वीएम फंड में डाल दूंगा और बाकी का प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर लूंगा। ओके भाई, मैं कब से सुन रहा हूँ वीएम फंड, मैंने पीएम फंड सुना है, सीएम फंड सुना है, अब ये वीएम फंड क्या है? अरे सर, वीएम फंड मतलब विजय माल्या फंड। वो क्या है ना, कभी भी बिजनेस में ऊंच नीच हुआ ना तो ये फंड लेकर पहली फ्लाइट पकड़ के लंदन सेटल। वाह भाई, इसका तो फ्यूचर पहले ही सिक्योर है। भाई सुन, मैं ना तेरे को एक ऑफर देने को तैयार हूँ। मैं ना भारत दे का फाउंडर हूँ। भारत दे ना इतना बड़ा ऐप है, वसूलने का ऐप है, इनकी औकात नहीं मेरे सामने खड़े रहने की। तो इस देश में जितने भी गुंडे, मवाली, वसूलने वाले, बैंक वाले, डॉन जो भी है ना, सब वसूलते पैसे मेरा क्यूआर कोड यूज करके। तो तू मेरे को ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को उनका कॉन्टेक्ट दिला दूंगा। अरे तुझे चोरों का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, मुझसे बड़ा चोर और कोई है ही नहीं। और चेंज आई एग्री विद यू। तूने अमन गुप्ता का नाम सुना है? अरे वही बोट वाला,
उसका मैंने बोट का कंसेप्ट चुरा के अपना बोट बना लिया, इससे बड़ी चोरी और क्या होगी। चोरी नहीं, इसे चिंदी चोरी बोलते हैं। भाई देव को भी अकेले चोरी तो करेगा नहीं, तो मेरे जो 300 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उसके 600 वॉचमैन की मदद से हम किसी भी सोसाइटी में चोरी कर सकते हैं। सस्पिशियस डिलीवरी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो तेरी डिलीवरी करवा देंगे। नहीं कर पाएंगे, मेरे गेट पे 2000 वॉचमैन रोक देंगे उसे। हम गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। अबे गेट है, इसका हेडफोन नहीं टूट जाएगा ऐसे। एक मिनट भाई सुन, मैं ना तेरे लिए जबरदस्त ऑफर लाता हूँ। ओ ऑनियन उत्तपम। अबे तू छोड़ इन लोग को, तुझे क्या 2 लाख चाहिए ना, मैं तुझे 4 लाख देता हूँ। छोड़ भाई, कार ले ले, बनाओ अभी 4 लाख का चेक बनाऊ। What are they trying to do? सुनने के लिए। भाई बॉस, हमारे पास ना तेरे लिए एक बढ़िया सा ऑफर है। सॉरी सर, नो ऑफेंस, बट मुझे लगता है कि बबीता जी के पास मेरे लिए कोई मस्त ऑफर है। वो डायरी में कुछ तो लिख रही है, देखो। नहीं नहीं, मैं तो कब का आउट हूँ, मैं तो अब की ड्रॉइंग बना रही थी। भाई तू सुन, हम दोनों शाह के नो रहे, टोटल 6 लाख देने को तैयार है, 5-5% इक्विटी। बस हमारी एक शर्त है, तू ना 4 लाख चमन से चुरा के हमें देगा। उसे तो कौन बात दे देता, नहीं आएगी। तू बता क्या लॉन है। ठीक है, डन डन। गुड डील गुड डील। भाई ये बढ़िया काम किया तुमने। अरे हाँ, दीजिएगा, कमी फट जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, एक ही डील में तुझे 3-3 शार्क मिल गए। से दो ना आपको और ये उत्तम। अब एक चमन भी तो है, बस उसको मालूम नहीं है उसके पैसे चुराने वाले तू। आवाज नहीं आ रही। अच्छा सुन, 1 महीने बाद डिपॉजिट करना, अकाउंट में पैसे नहीं है। आपके थे ना? 400 के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, भाग ऐसे। 400-300 कंपनियां, 400 उधर आ गया। हेलो शार्क्स। हाँ, ये बंदा ना शक्ल से जेन्युइन लग रहा है। बोल बोल बोल। आज मैं आप सबसे मांगने आया हूँ सिर्फ 500 रुपए। 500 करोड़? अबे इसका कान फट गया है। अरे कान नहीं फटेगा तो क्या फटेगा? 500 करोड़ मांग रहे। 500 करोड़ नहीं, 500 करोड़ मांग रहे भेड़े। अबे तू बहरा। अरे मैं 1 रुपया नहीं दे रहा। अबे यार उत्तपम, इस बहरे को सुना, पता इसको क्या ऑफर है, बोल। सपने आसमान छूने के होने चाहिए, लेकिन बैर। अरे यार तो हिंदी इंग्लिश तो बता दिया करो, मुझे हवा क्या छोड़ रहे हो। उसकी आवाज पहले नहीं निकलती। 500 रुपए? अच्छा 500 रुपए मांग रहा है। अरे यार तू इन सब की बकवास छोड़, मेरे को ये बता कितनी परसेंटेज की इक्विटी देगा हमें। मैं आपको देने वाला हूँ 49% इक्विटी। 49%? बस मैं हिनू, मैं तेरे को 1000 रुपया देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं 2000, मैं 3000 देने को तैयार हूँ तुझे। मैं बता दूँ, उसके QR कोड पर 2000 के ऊपर पैसे नहीं आते। QR कोड को क्यों बीच में ला रहा है? मैं तेरा डिवोर्स कर दूंगा ना, धंधा बंद करा दूंगा, समझा? उम्र का लिहाज करो, चुप बैठा हूँ। अबे मैं तुझसे छोटा हूँ। अरे मूर्ख इंसान, अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। ज्यादा बकवास मत कर, बबीता जी को उठा के तेरे फेंक दूंगा। अजीब बहन का लड़ा है ये, मुझे मालूम है। चमन सर, आपका क्या ऑफर है? एक्चुअली मैं चमन सर का ऑफर बस, मैं आउट हूँ। सर क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं आउट हूँ। तूने अभी क्या कहा कि मैं चमन सर के ऑफर में भी इंटरेस्टेड हूँ? नहीं, इसने ये नहीं बोला। मैं ना तेरा अभी दोगलापन निकालता हूँ। मैं बता दो तू कितना बड़ा दोगला है। तू इधर आया, ठीक है, तूने पिच किया, तू बोल दो ना, बोल दो कि जो सबसे हैंडसम है, जो डैशिंग है, जो चार्मिंग है, जो पूरा मार्केट चला रहा है, उससे तुमको पैसे नहीं चाहिए। अबे तू किसी से पैसे मांगने आए या तू पैसे मांगने आए? मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तूने क्या गलती करी है। एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल एंटरप्रेन्योर्स। आई एम सॉरी सर। थैंक यू सो मच चमन,
अबे एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ, तेरी नहीं, तू एंटरप्रेन्योर रहा तू। अबे ओ तो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भी आती क्या? आती है। तो बता। तो बता देंगे। अबे अभी बताना। ओ एन टी ई। अबे वो ऊ अंडे आम रहा नहीं है, एंटरप्रेन्योर है धंधा। छोड़ इसको, छोड़ इसको, तू बोलता रहे। अच्छा लग रहा है, पीला रही है, पीला रही है। देख वो तुझे 3,000 रुपए दे रहा है, मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूँ। अब तू ही देख ले, तेरे को लड़ाकू आदमी चाहिए या सपोर्टिव आदमी चाहिए। चेक रेडी है, बोल दू आऊ वहाँ पे। चवन सर मैं आपके ऑफर के साथ जाना चाहूंगा। वो हिंदुस्तान में आइडिया क्या था? सबको पॉपुलेशन में इतना आगे बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आपने अपने बिजनेस के बारे में तो बताया ही नहीं, ये 5,000 करोगे क्या? एक्चुअली सर हमें ना इस 5,000 रुपए को 50 करोड़ में कन्वर्ट करना है। 50 करोड़? वो कैसे? वो तो तू बताएगा ना। तू 49% का मालिक है, मैं 51% का मालिक हूँ, तो कौन बड़ा पार्टनर हुआ? कौन बड़ा पार्टनर हुआ? मैं तेरा आपसे बॉस हो गया। चल बता इस 5,000 को 50 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करें, बता। मैं कैसे बताऊँ, मुझे क्या बोलूँ? तो तू क्या इधर घंटे का शार्क है? जल्दी से शूटिंग खत्म करके 2 घंटे में ऑफिस पहुंच जा। आज ही मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, और ना थोड़े मार मार के शार्क से पॉपुलेट मछली। ओ भाई शार्क आ गया, असली शार्क आ गया। ओ भाई और इन्वेस्टर बिना आइडिया सुने गांडू। ओए ऑनियन उत्तपम। हाँ जी। ये गोल्ड के हेडफोन चल रहे हैं? चलो। हाँ बताओ जी। चल रहे चल रहे। चलो अच्छा है, अच्छे से गालियां दे पाएंगे। I'm here to excavate my antecedents. आपका ये वर्ड मेरी डिक्शनरी से आउट है, तो इसीलिए मैं भी आउट हूँ। अनिल भाई इसकी दुगला बंदे निकालो, बड़े बड़े वर्ड फेंक के मार रहा है हमें। देखो बॉस मैं क्या कहता हूँ ना, थोड़ी सीधी और सरल भाषा यूज करो। यहाँ पे ना कुछ गवार लोग बैठे, ये गवार लोग आ जाते हैं बिना पढ़े लिखे सेट पे और बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर है। ओए उसमें गवार बड़ा था, कैमरा मेरे पे क्यों डाल रहे? शख्स मैं आपसे मांगने आया हूँ 30,000 रुपए एट एन इक्विटी ऑफ 10% और कंपनी का वैल्यूएशन है 1,000 करोड़ रुपीस। भाई तू कौन से जीनी की गांड घस रहा है जो 30,000 में 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन देगा? भाई ये सस्ती डीलों से दूर रहो, मैं बता रहा हूँ ये पिछले वाली ग्रह चूतिया काट रहा है। वो अभी मेरे को मैसेज करता है, बोलता ऑफिस क्यों नहीं आया, 49% भाई मैं तेरे को 60,000 रुपया देने को तैयार हूँ, पहले तू बता तेरा बिजनेस क्या है। नहीं, मुझे सिर्फ 30,000 चाहिए, और वो भी मैं 5,000 करके 6 फेजेस में लूंगा, उससे मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 1,000 करोड़ तो हो ही जाएगा। अबे तू है कौन, आईपीएल में सट्टा वट्टा करता है क्या? मित्तल ग्रुप का नाम सुना? अनुपम मित्तल, अरे वो तो मेरा इनडायरेक्ट पार्टनर है। अबे तू कैसे जानता है उसको, तेरी औकात है क्या? अरे उसका shaadi.com मेरा divorce.com, वो शादी कराएगा तो मैं डिवोर्स करवाता हूँ ना, शादी का डिवोर्स कभी सुना है? अरे वो नहीं, मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके मालिक संजय मित्तल को जानते हो? हाँ। उन्हीं का बेटा हूँ मैं, श्याम मित्तल। अरे श्याम बाबा आप तो कितने बड़े हो गए हो, बचपन में देखा था तो छोटे हुआ करते थे। बबीता जी इनके जो पिताजी है ना संजय मित्तल, अरे माई बाप है, हमारे गुरु है। जब ये जेब से रुमाल निकालते ना कंपनियां छुट्टों की तरह गिर जाती है। मेरी पहली कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट था। पर श्याम बाबा आप इधर शार्क टैंक में क्या कर रहे हो, और आपको 30,000 रुपए क्यों चाहिए? 5-star होटल से चाय वाय मंगाने तो मंगा के देते ना बाबा। अरे वो संजू रोज दिमाग चबाता है यार। कौन संजू? अरे संजय मित्तल मेरा बाप। रोज सुबह उठ के ताने मारते है मेरे को, तू बेरोजगार है, हरामी है, नालायक है, नल्ला है, तोता है। वो मेरे को क्या बोलता है कि अगर तूने हर महीने 5,000 कमाए ना खुद की दम पे तो कंपनी सारी मेरी नाम कर देगा। तो मैंने भी सोच लिया ना, हर महीने 5,000 करके 6 महीने 30,000 उसको दे दू, नहीं 30,000 उसके मुंह पे मारूंगा। और वैसे तक मार नहीं पड़े मेरे नाम, कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ? 1,000 करोड़। इससे इन्वेस्ट करेंगे नहीं होगा, 100 करोड़। वो तुम बिकारियों में बांट दूंगा। अरे तो श्याम बाबा एक काम कर लो ना, 5,000 क्यों, आप 30,000 ले लो, मुझसे ज्यादा दिखा दो शेयर। 5,000 के ऊपर 1 रुपया देने का नहीं मेरे को उसको। वो श्याम बाबा मैं क्या बोलता हूँ, आई एम इन, आई एम आउट। पहले तेरे को इस डील से आउट करूंगा, फिर तेरे को तेरी कंपनी से आउट करूंगा, फिर तेरी सारी बकरियां खरीद के तेरी गोट कंपनी आउट करूंगा, फिर जिंदगी भर तो मैं करता फिरेगा। श्याम बाबा मैं अरे अभी नहीं, 6 महीने बाद।
श्याम बाबा मैं क्या बोलता हूँ, मैं और उत्तपम जी साथ में आ जाते हैं, प्लीज हमें इक्विटी दे दो। अरे इवन आई एम इन। व्हाट? नहीं नो भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो। ठीक है श्याम बाबा, मैं उत्तपम और बबीता जी तीनों साथ में आपको पैसे दे देंगे, प्लीज हमें इक्विटी दे दो, आपस में बांट लेंगे, प्लीज डील कर देना प्लीज। हाँ चलेगा चलेगा। बताओ श्याम बाबा किसके नाम पे चेक बनाना है? अबे पागल है क्या, लाइन में कौन खड़ा रहेगा? सीधा बैंक ट्रांसफर कर मेरे को। और 500 रुपए एक्स्ट्रा करना, वो सिगरेट खरीदने का मेरे को। संजू साला बेल्ट से मारता है। ठीक है बाबा भिजवा दूंगा। ओरिजिनल जी क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस बबीता जी, आपको भी मुबारक हो, जिंदगी की पहली डील है। अरे द लक गेम। तीन की तरह में इधर लोगों की बकरिया बेच दीजिए। नहीं मैं तो येल यूनिवर्सिटी का प्यून है। ये यूनिवर्सिटी वो अमेरिका वाली जो अमेरिका से 18,000 किलोमीटर दूर इधर सानपाड़ा में है। अरे सानपाड़ा में कौन सा येल है? यशवंतराव अमृतलाल लखनभाई इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज का नाम ही बुढ़ाते होंगे। और तू शार्क टैंक में क्या कर रहा है? मैं अगर आपसे मांगने आया हूँ 30 लाख रुपए, और बदले में आपको दूंगा 8% इक्विटी अपने बिजनेस का। अबे तू किस चीज की इक्विटी देगा, समोसों की? देखो सपने जो है आसमान छूने के होने चाहिए, पर गांड जो है जमीन दिखाती है, ज्यादा कसोगे तो चिंगारी भी निकलती है। और मैं पहले बता दूं मैं आउट नहीं हूँ, पहले मैं पूरी पिक सुनूंगा फिर डिसाइड करूंगा। तू बता बता आगे। अभी मैं आपको मेरा बिजनेस समझाता है। मेरे कॉलेज में 70% बच्चे नए हरामी और 40% बच्चों का प्रिंसिपल खुद आईडी जब्त करता है, उसको छोड़ने का फाइन 200 रुपया, मैं 50 में छोड़ाता है। 0% इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। वाओ। अभी मैं आपको दूसरे धंधे के बारे में बताता है, उसमें मेरा हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम विस्ट्यूम करके 30,000 रुपए खर्चा हो जाता है। बॉस हेयर मेकअप थिएटर करते हो? अरे नहीं ना सर, वो कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना, उसमें बच्चे लोग मेरे को ही कभी चाचा कभी दादा कभी मामा बना के लेके जाता है, और वो तो कुछ भी नहीं, कभी कभी तो माँ भी बनना पड़ता है, उसमें मेकअप का बहुत खर्चा हो जाता है। वाओ। और मेरा मेन धंधा तो शुरू होता है। अरे क्या टर्नओवर होता है उसमें? कैसे? अरे मैं पेपर लीक कराता है 1,001 कॉपी का, लेकिन शायद मैं बहुत ईमानदारी से चीटिंग करता हूँ। अरे जो पेपर लीक करता है एग्जाम में वही चाहता है। एक दिन तो मैंने गलती से इंग्लिश पेपर के दिन मराठी पेपर लीक किया, आई शपथ इंग्लिश पेपर में मराठी में क्वेश्चन आया शेक्सपियर से वर्डलेस से नाव का। लेकिन साहब मैं दिल का बहुत अच्छा है, अगर अमीर बच्चे लोग का जेब काटता है तो गरीब बच्चे लोग को फ्री में पेपर भी बांटता है। वाह क्या बात है। लेकिन एग्जाम के बाद क्या फायदा उसका? हलवा है क्या? लेकिन शख्स हमारे धंधे में बहुत रिस्क है बाबा, वो दिन वो हलकट प्रिंसिपल मेरे को पकड़ लिया और सस्पेंड कर दिया, इसीलिए आज मैं इधर आया आपसे 30 लाख रुपए लेने के लिए। अबे 30 लाख क्यों चाहिए, प्रिंसिपल की सुपारी उपारी देनी है क्या? अरे नहीं ना साहब, वो प्रिंसिपल का पोजीशन 30 लाख रुपए में बिक रहा है, तो मैं वो खरीद के खुद ही प्रिंसिपल बन जाऊंगा और वो हलकट प्रिंसिपल को मैं प्यून रखूंगा। लेकिन इससे तो तेरे पर्सनल खर्चे सॉल्व होंगे ना, इससे धंधा कैसे होगा ये बता। अरे सोचो अगर मैच प्रिंसिपल बन गया तो अपना धंधा तो 10 गुना बढ़ जाएगा ना, मैं बच्चों का आईडी जब्त नहीं करेगा, सीधा 50 रुपए लेगा, मैं पेरेंट्स लोग को बोलेगा ही नहीं, सीधा 50,000 रुपए लेगा। वेरी इंस्पायरिंग। मैं कॉलेज के हर चीज को धंधा बना देगा, 500 रुपए दो असाइनमेंट माफ, 1,000 रुपए दो प्रैक्टिकल माफ, 2,000 रुपए दो लेक्चर माफ, आणि 5,000 मध्ये अटेंडेंस माफ। ये बंदा बहुत आगे जाएगा। अरे ये तो दिन का कमाई है, रात का सोचो कितना होएगा। अबे कॉलेज तो शाम को बंद हो जाते हैं, रात को क्या करेगा? अरे रात को मैं कॉलेज भाड़े पे चढ़ाएगा, केमिस्ट्री लैब में पटाखे बनवाएगा, बायोलॉजी लैब में हॉस्पिटल चलाएगा, एवी रूम को मल्टीप्लेक्स बनाएगा, कैफेटेरिया में होटल चलाएगा, और क्रिकेट ग्राउंड तो अपना खाली चेना तो
उधर आईपीएल जमाएगा। पागल तो नहीं है भाई, ये बंदा कितना वर्सेटाइल है, इसे बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर। अब जाके शो में कंटेस्टेंट आए। शर्म आ रहा है शख्स क्या। थैंक यू थैंक यू। आप तो मेरा मास्टर प्लान सुने ही नहीं अभी तक। मैं एग्जाम के टाइम में बच्चे लोग को का 4 सब्सक्रिप्शन देगा। ओए कमाल हो गया ओए। पहला सब्सक्रिप्शन 1,00,000 रुपए का, इसमें बच्चे लोग को एग्जाम में चिट सप्लाई करेगा। एक्सीलेंट। दूसरा सब्सक्रिप्शन 5,00,000 रुपए का, इसमें बच्चे लोग को एग्जाम में डाइजेस्ट ही सप्लाई करेगा। मल्टी मिलियन बिजनेस। तीसरा सब्सक्रिप्शन 10,00,000 रुपए का, इसमें बच्चे लोग को डायरेक्ट टीचर ही सप्लाई करेगा एग्जाम लिखने के लिए। इसे कहते हैं ना नई इंडिया का भारत। और फाइनल सब्सक्रिप्शन 50,00,000 रुपए का। 50,00,000 भाई इसमें क्या होगा। उसमें क्या, उसमें क्वेश्चन पेपर में आंसर भी छप के आएगा, आपको खाली नाम लिखने थे। यही तेरे पास आइडिया थी। ये आईडी नहीं चल रहा है, लेकिन सिर्फ नाम लिखना है। तू है असली एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं शास, कौन कौन इन है। हम ना चारों शास से लाना चाहेंगे भाई, हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। क्या बोलते हैं डील लग रहे। अरे दम 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 नक्की या अपने वाले पैसा में या डिग्री हाथ में, फिर कॉलेज का क्या करने का, बेच डालेंगे शॉपिंग मॉल कॉलेज। अगर आपने भी है बिजनेस का चस्का, जज्बा और मास्टर प्लान, तो आई एम आउट। एक ही डायलॉग। लॉग इन करें इस वेबसाइट पे और अप्लाई करें सीजन 2 के लिए, हम एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, अरे अभी चलो नहीं तो 3 शख्स आ जाएंगे। ठीक है चलो, लेट्स गो आउटसाइड। वाओ दैट्स माय फेवरेट प्लेस। वीडियो इंटरेस्टिंग थी, आइडिया ठीक था, लेकिन वीडियो को काफी खींच दिया उन्होंने। और इस शो को अगर कॉपी करना तो इसमें थोड़ा बहुत वो जैसे मजाक के तौर पे कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और बेइज्जती करते हैं। वो नेहा का एक शो था जिस तरह वो उसकी बेइज्जती, वो उसका डायलॉग जो चल गया था कि क्या था लड़की का, इट्स आवर चॉइस, और वो चल गया था इस तरह। मतलब छोटे छोटे क्लिप वो डालते और इस वीडियो को मुकम्मल करते तो वीडियो छोटी भी होती और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती और बोरिंग ना लगती। लेकिन थोड़ी बहुत बोरिंग फील हो रही थी क्योंकि एक तो प्रोग्राम देखा नहीं है हमने कि उसमें क्या है और क्या सिचुएशन है, किस तरह आते हैं कंटेस्टेंट। लेकिन उन्होंने समझाने की कोशिश की है और ओवरऑल ठीक थी वीडियो और मज़ा आया देख के। करेक्टर अच्छे उन्होंने करेक्टराइज किए हुए थे। जी एक्टिंग सब की अच्छी थी और जितने भी कंटेस्ट आए थे वो भी सारे मतलब एक्टिंग अच्छी कर रहे थे। मतलब वो अपने करेक्टर में सही कर रहे थे और जैसा जैसा उनको करेक्टर दिया गया था वैसे ही वो मतलब एक्ट कर रहे थे। तो और ये जो शार्क थे इनकी भी एक्टिंग अच्छी थी। और आई एम आउट उसका तो सिर्फ एक ही डायलॉग था और बाद में वो इनकी देखा और, बनी हुई है। और बाकी ये है कि बाकी वीडियो लंबी की गई है और शो का भी मुझे नहीं पता और नहीं वैसे पता। नाम ही सुना था शार्क टैंक। सस्ता भी है शायद, इसके साथ रियल नाम है सस्ता, रियल नाम है, मैंने क्लिप देखा है। और ये है कि बाकी इतना मज़ा नहीं आया मुझे, इंटरेस्टिंग नहीं थी वीडियो वैसे। जैसे डायलॉग कुछ ज़्यादा होते, कुछ डायलॉग अच्छे थे जिसमें थोड़ी बहुत हंसी आई, लेकिन अपने लेकिन ये है कि एक्टिंग सब की अच्छी थी और इनका आइडिया भी अच्छा था। ज़ाहिर है नया शो चला है और उस पर इन्होंने ये वीडियो क्रिएट किया है, ये भी बड़ी बात होती है। और आइडिया भी अच्छा था, एक्टिंग भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी सिर्फ वीडियो को लंबा किया गया बस। बाकी तकरीबन वीडियो बहुत अच्छी थी, परफेक्ट थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस हो बाकी तो मर्जी हुंदा हो जावे मेरे कमेंटां च गाल नहीं कढ़नी। पर गाल नहीं कढ़नी।